पकड़ लिया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। टेंशन टेंशन मैम क्या कहना चाहेंगे आज जो ये उद्घाटन करा है गली के अंदर? देखिए ये जल बोर्ड के द्वारा कट किया गया था कि इसको लगभग एक साल होने जा रहा है। अब जैसे हमें जल बोर्ड के द्वारा हम लोगों को बजट मिला है यहाँ पे, क्योंकि एमसीडी का काम होता रिपेयर करने का, तो हम लोगों ने अभी इसका उद्घाटन करा है कि जितनी भी गलियाँ हरिओम गली है, लोहिया गली है और इंदिरा गली है, जितने भी कट हैं वो सारे भरे जाएंगे। और हमारे जो यहाँ के क्षेत्रीय निवासी है काफ़ी समय से इस परेशानी से जूझ रहे थे कि यहाँ पर गड्ढे हैं, बुजुर्ग गिर रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है कि हमारे आप पार्टी के जो तथाकथित नेता जो यहाँ पर हैं वो घटिया राजनीति यहाँ पर कर रहे हैं। वो चाहते ही नहीं कि क्षेत्र का विकास हो। आज भी वो इस बात के लिए भी ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आ गए गोपाल राय जी के भैया कि यहाँ पर उद्घाटन नहीं होगा। हम तो इस बात में भी खुश है कि वो गली बनवाएं, वो बनवाएं, हम तो क्षेत्र का विकास चाहते हैं। जनता भी काम चाहती है, जनता काम चाहती है, कोई भी कराए, आम आदमी पार्टी करे या बिल्कुल बिल्कुल कोई भी कराए, जनता काम चाहती है। अब हम तो एक साल से चुनकर आए हैं, हमें अभी दिल्ली सरकार ने बजट नहीं दिया है, लेकिन वो तो चार साल से उनको क्यों सुध नहीं आई एक साल से इसकी। कितना बजट लगेगा इस कटिंग के अंदर? लगभग 10 लाख के करीब हमारे को इसका बजट मिला है सारी गलियों का, यहाँ की आसपास की 10-12 गलियां हैं। काम शुरू हो, कल से काम शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं फिर यही कहना चाहती हूँ आपका चैनल के माध्यम से, घटिया राजनीति करना बंद करें, क्षेत्र के विकास पे ध्यान दें। ये घटिया राजनीति करने ने बहुत बढ़िया बात कही कि जनता काम चाहती है। जी जनता काम चाहती है, आप पार्टी वाले जो है ना मिलकर, हमारी थोड़ी सी सड़क बनाई है जहाँ हमारे बीजेपी कह करके उन्होंने मुद्दा सारा खत्म कर दिया। आगे पूरी सड़क क्यों नहीं बनाई उन्होंने? आधी क्या चौथाई बनाई, फिर आधी इसी बनाई, फिर साइज छोड़ दी सड़क। जी क्या कहना चाहेंगे आम आदमी पार्टी? मैं ये कहना चाहूंगा, जब आज मैडम जी का दौरा हुआ था, मैं आधे घंटे पहले आ चुका था, तो यहाँ जो भीड़ इलाके की लगी थी उन्होंने कहा कि ये काम तो गोपाल राय जी का है, परंतु उन्होंने आधी गली बना दी, उसके बाद उन्होंने बनाई नहीं। और जब वो गोपाल राय जी के पास गए तो वो कह रहे कि उन्होंने तो मुझे वोट ही नहीं दी, कह रहे बीजेपी को वोट दिया तो बीजेपी वाले बनाएंगे। तो ये मैडम जी के पास गए, मैडम जी ने कहा ठीक है बीजेपी को वोट दी मैं बनवाऊंगी। तो मैडम जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, तो इन्होंने अपने क्षेत्र में कार्य किया। बाबूजी क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे भैया, यहाँ पर बीजेपी के रहते इसलिए नहीं बना रही है गली, ये गली जितनी बनी है भेदभाव की राजनीति, भेदभाव की जितनी ये गली बनी है ना, ये गौड़ साहब बनवाए गए, उसके बाद कोई गली नहीं बनी है। आज जैसे उद्घाटन में भी रोड़ा अटका रही है आम आदमी पार्टी, क्या गोपाल राय ने खुद कहा था? अनुराग जी क्या कहना चाहेंगे? अरे गोपाल राय जी ने खुद कहा था कि ये बीजेपी वाले आगे नहीं बनाएंगे हम, गोपाल राय ने जी। हाँ गोपाल राय जी ने खुद कहा। यहाँ अनुराग जी क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की घटिया राजनीति अगर क्षेत्र में होगी तो मुझे लगता है कि किसी भी तरह से क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा। असंभव है। बिल्कुल, इसलिए सभी को मिलके, अगर आम आदमी पार्टी वाले भी मिलके काम करते हैं तो सभी के लिए विकास होगा। बिल्कुल, वरना इस तरह की घटिया राजनीति करने की आम आदमी पार्टी को कोई जरूरत नहीं है। जी आप क्या कहना चाहेंगे? काम होना चाहिए, चाहे कोई काम तो होना ही चाहिए, काम होना चाहिए जी। और जो काम करेगा वोट भी उसे ही मिलेगा जी, जो काम करेगा वोट उसी को देंगे जी। हाँ जी, बाकी को नहीं देंगे फिर। सारा मलबा जो नालों में भरा पड़ा सड़क के दोनों तरफ, आज तक साफ नहीं किया वो जी। और वो PWD के नाले हैं, तो जब वो नाले साफ नहीं होंगे तो इन नालियों का पानी कैसे जाएगा? बैक मारेगा। बिल्कुल ठीक बात है। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि ये जो राजनीति जो हो रही है ना, बजाय राजनीति के अब इनके जनता के जो विकास कार्य हैं उन पर ध्यान दें। पार्टियों को आपस में मिलना चाहिए, पार्टियों को बजाय तोड़फोड़ के राजनीति करने के इनको विकास पर ध्यान देना चाहिए, चाहे आप पार्टी है चाहे बीजेपी पार्टी है, मिलकर जनता का विकास करें और गलियों को बनवाएं। आज जैसे देखने में आया कि मैडम तो उद्घाटन करने आई लेकिन रोड़ा अटकाने में आम आदमी पार्टी ने कसर नहीं छोड़ी। हाँ, तो आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए कि अगर कोई पार्टी विकास करना चाहती है तो उसमें क्यों टांग अड़ाए, वो उसमें बजाय टांग अड़ाने के उसके विकास के कार्यों में साथ